अपना ये रॉयल घर है, घर में है कितना अपनापन। अपना ये रॉयल घर है, घर में है कितना अपनापन। पर उल्टा पुल्टा हो जाता है जब आती है पड़ोसन। पड़ोसन 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 पड़ोसन। क्या ड्रिंका है बस, हमेशा हो जाए लस, रखे पत्नी उपवास, करे पूजा में टाइम पास। यह एलआईसी का एजेंट ना खुद का है एश्योरेंस, फिल्मों की बीवी क्रेजी, घर काम में है इग्नोरेंस। ये छोटा जो कैरेक्टर भाई बहुत बड़ा है चैप्टर, पटाई मॉडर्न लड़की नंबर वन का है ये पंटर। जो कुछ भी हो लेकिन पर उल्टा पुल्टा हो जाता है जब आती है पड़ोसन। पड़ोसन 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 पड़ोसन। 100 प्लस 37 इक्वल टू 137 प्लस 42 प्लस 42 179 यार, क्या केजी के बच्चों की तरह हिसाब जोड़ रहा है? अरे ये तो बचपन से ही मैथ्स में जीरो है, बरसों गधे की तरह पीटा पर गणित का ग नहीं आया इसे। ठीक है, अब गणित के मामले में इतिहास उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अजी सुनते हो? क्या है? मैं कैसी लगती हूँ? अरे बोल, हुमा खान की खाला लगती है। तू मरवाएगा, अब झूठ बोले कौवा काटे कहावत बदल चुकी है, अब वो कहावत सच बोले कौवा काटे हो चुकी है। तुमने बताया नहीं मैं कैसी लगती हूँ। अरे अर्चना तुम हो? मुझे तो लगा कोई साउथ की हीरोइन हमारे घर में आ गई। क्यों, साउथ की क्यों? मैं नॉर्थ की हीरोइन नहीं बन सकती। नहीं वो क्या है अर्चना, साउथ की हीरोइन जो होती है वो तुम्हारी तरह खाते पीते घर की लगती है, और नॉर्थ की हीरोइन क्या, दुबली पतली, ऐसा लगता है बीमार बच्ची को किसी ने अच्छे कपड़े पहना दिए हैं। अच्छा मैं अभी ये बात संजना को बता कर आती हूं। जाओ जाओ। अरे यार एक काम कर, तू इलेक्शन में खड़ा क्यों नहीं हो जाता? क्यों? अरे जो आदमी अपनी बीवी को खुश कर दे वो वोटरों को तो चुटकी बजा कर रिझलेगा। बस है, अब मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ा और हिसाब जोड़ने में मेरी मदद कर। चल बता, 179 प्लस 22 201 201। अच्छा 201 प्लस 13 214। ओह वेरी गुड। 214 प्लस 36 350। ओके 350। अबे डफर, 350 नहीं 250 होते हैं। क्या? तो मेरी तरफ से रखो ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या फर्क पड़ता है मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है। अब बताओ कैसी लगती हूँ? बोल मुगेम्बो की मौसी जैसी। अर्चना अर्चना, अरे इस साड़ी में तो तुम ऐश्वर्या राय की बड़ी बहन लगती हो। ऐश्वर्या को ये पता चला तो उसे और प्यार हो गया फ्लॉप होने से भी बड़ा सदमा लगेगा। मैं अभी ये बात संजना को बता कर आती हूँ। हाँ जाओ डार्लिंग जाओ। अच्छा बताओ हम कहाँ थे? 250 तक। ओह, और मेरे हिसाब से 350 तक। चश्मे वाले ब्रदर, आपको अपनी वाइफ से दुश्मनी है क्या? अरे ऐसा कौन सा मर्द है जिसे अपनी वाइफ से दुश्मनी ना हो। हाँ, इसीलिए जानबूझ के झूठी तारीफ करके उसे मार डालना चाहते हैं। क्या मतलब? अरे वो प्रवीण साड़ी वाला है ना, वो 50 साड़ी छोड़ के गया है, उसमें से ये साड़ी पहन पहन के 2 साड़ियां सिलेक्ट करने वाली है। ओहो, मतलब वो 50 बार अलग अलग साड़ी पहन कर आएगी और मुझे पूछेगी मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ। और मुझे 50 बार झूठ बोलना पड़ेगा। पहले ही मेरी बात मान ली होती और हुमा खान की खाला कह दिया होता तो अभी चैप्टर क्लोज हो जाता। हाँ। अभी भी देर नहीं हुई, आए तो ऐसा बाउंसर मार के खुद स्टंप पर गिर कर आउट हो जाए। ओके अब इस साड़ी में कैसी लगती हूँ? ऐसी लगती हो जैसे शोभा खोटे ने रेखा के कपड़े उधार मांगकर पहन लिए हो। अरे अर्चना जरा अपनी उम्र का तो ख्याल करो। क्या मतलब? पुरानी बिल्डिंग को प्लास्टर की जरूरत होती है, पेंट की नहीं। तुम्हारा मतलब मैं पुरानी बिल्डिंग लगती हूँ? हाँ। मन में तो पुराना खंडर ही बोला होगा लेकिन मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं है। देखो अर्चना, सच्चाई से मुंह मोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। अरे भाई तुम 40 प्लस हो तो भाई हो। हाँ। 40 प्लस यानी क्या मालूम है? 40 के ऊपर। मैं 40 प्लस? यस। तो तुम 70 प्लस? क्या? बाय द वे
आप देवानंद से बड़े हैं या छोटे? शट अप, मेरी उम्र के बारे में अनाप शनाप आंकड़े बोली तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे मैं तो अभी 30+ हूँ। वैसे 100 साल का आदमी भी 30+ ही होता है। देखो चुपचाप अपने अल्फाज वापस ले लो और बोलो कि मैं 26 की हूँ, वरना मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। हाँ तो मत बोलना, मैं पुरानी हवेली को शीश महल नहीं कह सकता। मैं पुरानी हवेली? हाँ। तो तुम भूत बंगला। मैं भूत बंगला? गेट आउट, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना और मुझसे बात तक मत करना। गेट आउट, भूत बंगला। लीजा, लीजा, ये खाना किसने बनाया है? दाल में इतना नमक किस खुशी में डाला गया है? लीसा, जिसे नमक ज्यादा लगे उसे बोलो दाल में पानी डाल ले। लीजा, मुझे उल्टे जवाब पसंद नहीं है। लीजा, वो परवाह नहीं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Who cares? एक मिनट भैया, बीच में ऑपरेटर रखकर क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं बदतमीज औरतों के मुंह लगना नहीं चाहता। भाभी, भाभी कहाँ जा रही हो? मैं जालिमों का मुंह देखना नहीं चाहती। क्या आप भी भाई साहब, बेचारी को खाने पर से उठा दिया? हाँ भाभी, अब देखना इतना खाना बचेगा कि 1 डजन भिखारियों को बुलाना पड़ेगा। चुप कर, मैं अभी उन्हें समझा के आती हूँ। भैया मामला क्या है? अरे कुछ नहीं बीजू, वो एक नई साड़ी पहनकर मेरे सामने आई। हाँ। मैंने उसकी झूठ मूठ की तारीफ क्या कर दी, वो पूरे शोरूम की साड़ियों की नुमाइश मेरे सामने करना चाहती थी। आपके सामने नहीं करती तो किसके सामने करती? तो चुप रह, तूने मुझे उकसाया इसलिए मैंने उसे अनाप शनाप कहा है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप टीवी टावर से कूद जाओ तो क्या आप कूद जाएंगे? मेरी बावली कम है लेकिन आपका रुपया तो पूरा है ना। थैंक गॉड चली गई, वरना बात चर्चगढ़ से चिंचपोकली कब पहुंच जाती पता भी नहीं चला। लेकिन भैया, आपने भाभी को हर्ट करके ठीक नहीं किया। तो क्या करता बीजू, उसकी झूठ मूठ की तारीफ करता रहता। भैया सच का बखेड़ा खड़ा करने से झूठी तारीफ कर लेते, आपका क्या जाता? ये औरतें हमसे क्या मांगती है? उनको खुश करने के लिए तारीफ के 2 बोल, अगर उसमें भी हम लोग कंजूसी करने लगे तो बेचारी जाएगी कहा। तेरी बात तो सच है बिजू, लेकिन उसने मुझे भूत बंगला कहा। बंगला ही तो कहा है, झोपड़ा तो नहीं कहा ना। भैया माफ कर दो ना। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी मैं उसे माफ नहीं करने वाला। उन्होंने मुझे पुरानी हवेली कहा है, मैं क्यों उनसे माफी मांगू? अरे भाभी, मर्दों का काम ही होता है उकसाना और औरत का काम है उन्हें झूठ मूठ भाव देना। क्यों, ये सचमुच भाव नहीं दे सकती? लेकिन मेरा भी कोई मान सम्मान है, मैं क्यों माफी मांगू? ठीक है, ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। क्यों, इसके पहले भी तुमने फैसला किया था जो ये आखिरी फैसला है? चुप। कोलगेट, पड़ोसन की पसंद।